जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी के प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जहां हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो समय है वो इनकम की दृष्टि से, आय की दृष्टि से कैसा बीतने वाला है। क्या इस समय में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपकी इनकम बढ़ सकती है, या कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके खर्चों को बढ़ा सकता है, आपकी जेब ढीली कर सकता है। साथ ही साथ वो उपाय भी आपको जरूर बताऊंगा जिससे आप अपने लिए इनकम की नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, अपनी बरकत को आप बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। हमेशा की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और पहली बार यदि आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ भक्तगणों, यदि आप में से कोई भी भक्तगण ये महसूस करता है कि पैसों की दृष्टि से वो कमजोर है, फाइनेंशियल स्थिति उसकी ठीक नहीं है, कर्जा आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, या आपकी इनकम कम है, या काम धंधों में बरकत नहीं हो रही है, या खर्चे अत्यधिक हो रहे हैं, तो बिना झिझक आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके मुझसे यानी कि स्वामी राजऋषि जी से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन फोन कॉल के माध्यम से करा सकते हैं, जहां मैं आपको ऐसे उपाय जरूर बताऊंगा जो आपकी इनकम की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएं, आपकी बरकत को बढ़ाएं, आपके जीवन में सुख शांति और वैभव की स्थापना करें। चलिए भक्तगणों, अब बिना विलंब करे आज की इस चर्चा को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। ज्ञान गंगा। चलिए भक्तगणों, चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि हमारे जो तुला राशि के जातक हैं उनकी इनकम की स्थिति यहां पर फरवरी 2022 में किस प्रकार रहने वाली है। जब कभी इस चर्चा को हम करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वितीय और ग्यारहवें भाव का हम लोग अध्ययन करेंगे। द्वितीय के स्वामी मंगल हैं, ग्यारहवें के स्वामी आप लोगों के लिए हैं सूर्य देवता। तो पहले सूर्य देवता की चर्चा करते हैं। सूर्य देवता महीने की शुरुआत में पहले आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि देव के साथ विराजमान है, जिसकी वजह से कुछ अड़चनें आ रही थी इनकम में, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बार बार अड़चनें आने की वजह से आपके काम धंधों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। ये प्रॉब्लम अब समाप्त होंगी 13 फरवरी के पश्चात, जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और वो पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सूर्य पहले चतुर्थ में है, बाद में सूर्य पंचम भाव में। पंचम से उनकी पूर्ण दृष्टि कहां पड़ रही है? ग्यारहवें भाव में। अब ग्यारहवें भाव में जो सूर्य देवता की दृष्टि पड़ रही है, इससे निश्चित तौर पर इनकम में आपको अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा, क्योंकि यहां पर सूर्य देवता अपने मित्र बृहस्पति के साथ विराजमान है पूर्ण दृष्टि से। जब ऐसे सूर्य देवता अपने ही भाव को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इनकम में फायदा होगा। आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहां पर, वहां से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं, वहां से आपके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती हैं जो आपकी इनकम को बढ़ाएंगी। आपके फ्रेंड्स के सजेशन आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, आपके कलीग्स के सजेशन भी आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। ये सभी स्थितियां आपके लिए फेवरेबल बन रही हैं फरवरी 2022 के दूसरे भाव में। वहीं पर शनि जो कि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी हैं, वो भी एक योग कारक ग्रह हैं, अपनी ही स्थान पर चतुर्थ भाव में मजबूती से विराजमान हैं, जो कि शश योग का निर्माण करते हैं। तो एक योग कारक ग्रह शनि तुला राशि के जातकों के लिए शश योग का निर्माण कर रहा है अपने ही घर में बैठकर, तो ये तो आपके लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। तो 13 फरवरी के पश्चात तुला राशि के जातक अपने जीवन में बहुत से पॉजिटिव बदलाव देखेंगे, विशेष तौर पर इनकम की दृष्टि से बहुत अच्छा साल आप लोगों के लिए आने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाएं। आप पर माता महालक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली। आगे चर्चा को बढ़ा रहे हैं, बात करते हैं कि भक्तगणों, जो हम मासिक राशिफल में चर्चा करते हैं वो आप पर 60% तक लागू होती है, परंतु जो बाकी का भाग है
वो आपकी जन्म कुंडली में विराजमान ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। आप कौन से महादशा में समय पर चल रहे हैं, कौन सी अंतर दशा में चल रहे हैं, कौन से भाव मजबूत हैं आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो हर भाव का कुछ काम है, हर भाव कुछ रिप्रेजेंट करता है, एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ के। तो जो भी भाव मजबूत होगा उसके आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे, जो भाव कमजोर होगा उसके आपको बुरे फल देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार ग्रहों की भी स्थितियां होती हैं कि वो मजबूत हैं कि कमजोर हैं, कौन सा ग्रह कौन से भाव को कंट्रोल करता है। तो ये सब को साथ में लेते हुए जब आप इन सभी कंसिडरेशन को एक साथ लेते हैं, तभी आपको पता लगता है कि वास्तव में आपका जो जीवन है वो कैसा बीतने वाला है या आपका समय कैसा बीतेगा। तो आपकी जन्म यहाँ पर जन्म कुंडली का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरी हमेशा आपको सलाह कि यदि आप जीवन में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं, फिर चाहे वो आपके जॉब से हो, इनकम से हो, कर्जा अत्यधिक हो गया हो, भाग्य साधना देता हो, इनकम में प्रॉब्लम आ रही हो, अड़चने आ रही हो, व्यापार में अड़चने आ रही हो, जॉब ना मिल रही हो, या फिर एजुकेशन में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर जीवन साथी के साथ तनाव रहता है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, या अन्य कोई भी समस्या है, परिवार के साथ आपका विवाद होता है, तो आवश्यकता है जन्म कुंडली का अध्ययन निश्चित तौर पर कराएं। हमारे सिद्ध शनि मंदिर में हमारे जो गुरु रजनीश ऋषि जी हैं, 30 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है उन्हें जन्म कुंडली देखने का। इसी प्रकार गुरु मां रुक्मणी जी भी 10 वर्षों से अधिक से हमारे जो शनि मंदिर के भक्तगण हैं उनकी जन्म कुंडली की जांच पड़ताल करके उनको ऐसी सलाह दे रही हैं जिनसे आपके जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर आता है। इसी प्रकार मैं भी, यानी स्वामी राजर्षि जी भी, आप सभी लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आवश्यकता है कि विश्व के लाखों करोड़ों भक्तगणों के साथ साथ आप रेस में पीछे न रहें, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन जल्द से जल्द करवाएं। उसके लिए अपॉइंटमेंट लें, फोन कॉल और वीडियो कॉल पर आपसे बात करके हम आपको ऐसे उपाय बता सकते हैं जो आपकी परेशानियों का शमन कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, जीवन में पुनः धन सुख शांति वैभव की हम लेकर आपके लिए आ सकते हैं, आपको ऐसे उपाय हम बता सकते हैं। तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके जल्द से जल्द हमारा अपॉइंटमेंट आप प्राप्त करें। जो भक्तगण अपने आप को फाइनेंशियल तौर पर कमजोर महसूस करते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं कि हमारे सिद्ध शनि मंदिर से एक विशेष हम लोग अंगूठी तैयार करते हैं, सर्व कार्य सिद्धि अंगूठी, इसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये अंगूठी हर प्रकार की परेशानियों को दूर करने में सक्षम है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये बजट फ्रेंडली है। तो जो लोग अभी पैसे के क्रंच की वजह से, पैसे की कमी की वजह से अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, वो इस अंगूठी को घर बैठे प्राप्त करके अपने जीवन में आ रही परेशानियों को ज्योतिष के सबसे सटीक उपाय से दूर कर सकते हैं। सभी मंत्र से अंगूठियां हमारे जो गुरु रजनीश ऋषि जी हैं वो तैयार करते हैं, और उसके बाद आपको घर बैठे ये 7 से 10 दिनों में प्राप्त हो जाती है। तो स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके आप ये अंगूठी घर बैठे मंगाइए और जीवन में बदलाव को महसूस कीजिए। मेरा नाम ज्योति कोटेचा है, हम गुजरात के रहने वाले हैं। हमने एक दिन स्वामी जी का यूट्यूब पे वीडियो देखा तो हमें लगा नहीं इसमें कुछ बात है, फिर हमने उसके बताए हुए नंबर पे स्वामी जी से बात की तो स्वामी जी ने मेरे मिस्टर की कुंडली देखकर उनसे 2 रिंगे और 1 लॉकेट पहनने को बोला, जो मेरे मिस्टर ने 2 रिंग और लॉकेट पहना। उसके बाद मेरे मिस्टर को धंधे में अच्छा होने लगा। उसके बाद मेरी कुंडली भी मैंने स्वामी जी को दिखाई और उन्होंने मुझे भी ये 2 रिंगे और ये लॉकेट पहनने को बोला। ऐसे ही मेरे मिस्टर को भी ये लॉकेट और 2 रिंग पहनने को बोला है। हम दोनों ने ये 2 रिंग और ये लॉकेट पहना हुआ है और इससे हमें धंधे में अच्छा होने लगा है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपके जीवन में भी कुछ तकलीफ है तो आप स्वामी जी से परामर्श करें, उसके बताए गए जो उपाय है उस पर फॉलो करें, तो आपको भी धंधे में लाभ होगा। जय शनिदेव। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी के लिए एक शक्तिशाली चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को लेकर। यह सुदर्शन लॉकेट जो आप
अपने गले में धारण करके अपने जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों को धीमे धीमे करके दूर कर सकते हैं। इस सुदर्शन लॉकेट के अंदर सभ्यस्त नवग्रह देवताओं का रतन या उपरतन लगा हुआ है। प्रत्येक रतन उस ग्रह देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों के द्वारा स्वयं मेरे द्वारा अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित है और जागृत है। साथ ही साथ इसके नीचे जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक इस पृथ्वी पर उपस्थित रतन है, जिसे हम गोमती चक्र के नाम से जानते हैं। ये गोमती चक्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है, जो आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने में समर्थ है। इस शक्तिशाली गोमती चक्र वाले सुदर्शन लॉकेट को धारण करने वाला व्यक्ति धीमे धीमे करके अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करते हुए अपने जीवन में सुख शांति सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति करता चला जाता है, अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करता चला जाता है। धीमे धीमे करके उसकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती चली जाती हैं। तो वो सभी व्यक्ति जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे मेरे वीडियो के बीच में आप ही लोगों के बहुत सारे वीडियो लगे होते हैं, जिसमें आप जैसे भाई बहन बोल रहे होते हैं कि उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए उपाय से किस प्रकार से अभूतपूर्व फायदा उठाया है, उनकी परेशानियां किस प्रकार से अभूतपूर्व रूप से दूर हो गई हैं और वो निरंतर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह सब परमपिता परमात्मा की उस साधना के फल स्वरूप है जो मैं पिछले 32 वर्षों से उनके मंत्रों की, विभिन्न मंत्रों की साधना नित्य प्रति करता हूं। उस साधना के फल स्वरूप मेरे को जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसी शक्ति से यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट को मैं मंत्र सिद्ध करता हूं, प्राण प्रतिष्ठित करता हूं और जागृत करता हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए इस लॉकेट के साथ साथ उन सभी लोगों को लिए जो इस लॉकेट को खरीदेंगे, उनको प्रभु साधना की अनुपम अनमोल पुस्तक जो आपको पूरी दुनिया में हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका एक एक शब्द मेरे स्वयं के द्वारा रचित है। जिस साधना को मैं पिछले 32 वर्षों से कर रहा हूं, वही साधना अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर मैं आप सभी लोगों को सुपुर्द करता हूं, ताकि आप इस साधना के बल पर अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट कृपा, डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकें। इस अद्भुत पुस्तक में, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की साधनाएं प्रॉपर तरीके से बताई गई है, प्रॉपर साधना की डिटेल दी गई है, उस साधना के फलस्वरूप आप अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की दिव्य कृपा निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह साधना की पुस्तक हमारे मंदिर की ओर से, शनिपीठ मंदिर की ओर से निशुल्क वितरण के लिए है। जो व्यक्ति यहां आकर इस पुस्तक को फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है, वो बिना किसी झिझक के आकर ले जा सकते हैं। किंतु जो लोग खाली इस पुस्तक को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक पोस्टिंग, पोस्टेज का कोरियर चार्जेज और शिपिंग और पैकेजिंग के जो खर्चे हैं, वो उनको अवश्य ही देने पड़ेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस अद्भुत और चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को अपने नाम की पूजा के अनुसार मंगवाना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत जिसे मैं स्वयं करता हूं, उसे घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना किसी झिझक के आप इस सुदर्शन लॉकेट के लिए हमें स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट मोबाइल ऐप पर भी जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर मोबाइल ऐप आ रही है, एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस लॉकेट के लिए आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह दिव्य
सुदर्शन लॉकेट, आपको घर बैठे, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आपको अवश्य भेज दिया जाएगा। चलिए डॉक्टर, अब बात करेंगे उस उपाय की जिससे आप फरवरी 2022 को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर शुक्र का ही एक फ्रंट है जहाँ पे आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे शुक्र को मजबूती प्रदान करना बहुत जरूरी है तुला राशि के जातकों को। अब तुला राशि के जातक क्या उपाय अपना सकते हैं, वो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं शुक्रवार के दिन। नहाने धोने के पश्चात आप शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो जल में सफेद फूल होने चाहिए, थोड़ा सा इत्र भी आप उसमें डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय यहाँ पर शुक्र देवता को प्रसन्न करने का हो सकता है। तो शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए आप इस उपाय को जरूर अपनाएं। जब जल चढ़ा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का एक माला जाप और साथ साथ शुक्र देवता के बीज मंत्र का एक माला जाप, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, ये शुक्र देवता का बीज मंत्र है, इसका एक माला जाप करें, निश्चित तौर पर आपको शुक्र की ओर से आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए बस करो, आशा कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अब तक पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक अब तक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें, कमेंट से जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हमारे गुरु रजनीश ऋषि जी चैनल पर हम ज्योतिष और आध्यात्म से संबंधित जो वीडियोस हैं उनको निरंतर प्रसारित करते रहते हैं आप जैसे भक्तजनों के लिए, ताकि आप अपने जीवन में इन्हें अपनाकर सुख शांति और वैभव का अनुभव करें। यही हमारा यहाँ पर प्रयास है, यही हमारी मनोकामना है, और इसी मनोकामना के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी अगले महीने, तब तक के लिए जय शंकर।